तो वहीं चुनावी साल में जेडीयू की संगठित ताकत देखने के लिए नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली के पैमाने पर नहीं देखा जा रहा, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू ने दावा किया था कि सम्मेलन में उसके 2 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की खबर है। वहीं नीतीश कुमार तकरीबन 12:30 पर गांधी मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त गांधी मैदान में पहुंचे, उस वक्त कैमरे में गांधी मैदान की तस्वीर कैद हो गई। दोपहर को बिस्कोमान से ली गई तस्वीर देखकर जेडीयू के नेता या उनके विरोधी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त गांधी मैदान पहुंचे, उस वक्त वहां कितने कार्यकर्ता मौजूद होंगे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया और साथ ही साथ वहां पे नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद लोगों के अंदर काफी उत्साह भी नजर आया। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है ये, लेकिन विपक्ष कुछ दूसरा ही आरोप लगा रहा है। तस्वीरें जो है वो कुछ और भी बयान कर रही हैं। अगर गांधी मैदान को देखें तो 2 बजे के बाद जो है नीतीश कुमार का संबोधन शुरू हुआ अपने कार्यकर्ताओं को, और संबोधन में उन्होंने 15 साल अपने और 15 साल जो लालू राज है उसके कंपेरिजन को बताया और बताया कि किस तरह से बिहार जो है आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जाएं और लोगों को बताएं कि सुशासन की सरकार ने क्या क्या किया है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिहार को आगे बढ़ाने की मुहिम में शामिल हो सके। लेकिन एक बात सही है, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जो भीड़ थी वो कन्हैया के द्वारा बुलाई गई रैली के का जो भीड़ थी उससे भी कम है। और ये तस्वीरों में जब बिस्कुमान से हम ये तस्वीरें देख रहे थे तो जाहिर सी बात है 2 बजे से 3 बजे के बीच जो भीड़ थी वो कम थी। लेकिन इसके अलावा बाहर सड़कों पे देखेंगे तो गाड़ियों की वजह से पूरा पटना लगभग जाम था, लोग इधर उधर जा आ रहे थे। और कुल मिलाकर कहें कि चूंकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन था तो मैसेज नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते थे उसमें वो सफल रहे। जी कंचन, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अजय, ये जो पूरा वहां पर जो जुलूस उमड़ा था इसे रैली का नाम भी नहीं दिया जा सकता। जी बिल्कुल, ये रैली बुलाई भी नहीं गई थी और जदयू ने कहा था कि ये उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव यानी 2015 में भी 1 मार्च को उन्होंने इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था। उनका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि अपने कार्यकर्ताओं को गांधी मैदान में बुला करके उनको जनता के उसमें कौन सी बातें कहनी है और किस तरह से ले जानी है इस बात को बताना चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात थी, ये लोगों की रैली नहीं थी, कार्यकर्ताओं की रैली थी। लेकिन फिर भी विपक्ष ये आरोप लगाने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि जदयू के कुछ उत्साही नेताओं ने यह दावा कर दिया था कि 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। हो सकता है, लेकिन गांधी मैदान में 2 लाख कार्यकर्ता नहीं थे। तो ये रैली ना होकर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो, लेकिन जदयू का जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार भीड़ नहीं थी और जो मंच पे जो बड़े बड़े जदयू के दिग्गज थे वो उससे थोड़े से मायूस जरूर दिखे थे। इसी समय एक और घटना हो जाती है कि नीतीश कुमार के संबोधन के आसपास ही जो है भीड़ में से ही कुछ दरोगा अभ्यर्थियों ने पोस्टर दिखाना शुरू कर दिया कि दरोगा के बहाली में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हालांकि बाद में पुलिस कर्मियों ने और बाकी जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर फाड़ डाले, उनको चुप कराया, शांत कराया। तो थोड़ा अच्छा जरूर अनाज लाकर कहा जा सकता है इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था इसमें एक और बात आनी थी कि नीतीश कुमार मंच से कुछ ऐसी बातें, नई बातें कहेंगे। वो नई बातें भी देखने को नहीं मिली ना सुनने को मिली कि हाँ जो है लालू राज और राबड़ी राज और नीतीश कुमार के राज के बीच में कंपैरिजन और जो विकास के जो पुराने जो सुशासन का वो दावा करते आ रहे थे, इनके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।